वेलकम टू जस्ट कुक इट। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट कुक इट में। आज की रेसिपी कुछ बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, क्योंकि ये बन रहा है सैंडविच जो हमने बनाया है एग से, पनीर से। और किस तरीके से बनाना है इसे, इसमें बिल्कुल ब्रेड का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो ये यूनिक सा सैंडविच बनाते हैं। चलिए जल्दी से इसे बनाने के लिए, सबसे पहले हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे, तो लगभग एक चम्मच हमने ऑयल का इस्तेमाल किया है। उसमें हम डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, और साथ ही में हम यहाँ पर डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, तो एक छोटा चम्मच लाल मिर्च का, और एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। और अब हमने इसको मिक्स करना है और इसके अंदर डाल देने हैं पनीर के पीसेस। यहाँ हमने पनीर के पीसेस को क्यूब्स में काट लिया है इस तरीके से, मतलब छोटे उसके टुकड़े कर लिए हैं, जैसे सैंडविच होता है, ब्रेड की शेप होती है, उस तरीके से काट के अब हमने इस मसाले में इसको अच्छे से पका लेना है। तो दोनों तरफ से जब पनीर अच्छे से पक जाए, बस इस तरीके से इसको हमने फ्राई कर लेना है, एक तरीके से शैलो फ्राई। और अब यहाँ पर हमने लिए हैं ऑलरेडी बॉयल्ड एग्स, तो यहाँ पर एग को हमने पहले से बॉयल कर लिया है, तो यहाँ तीन अंडों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम यहाँ तीन सैंडविच बना रहे हैं, तो एक सैंडविच में पूरा एक एग लगेगा, अंडा लगेगा और एक पनीर का पीस भी लगेगा। तो अब हम लेंगे ये एक अंडे को, हमने आधे आधा कर लिया है, तो हाफ साइड पे टमेटो केचप लगाएंगे। यहाँ पर आप चाहें तो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अगर आपको उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है तो, पर यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं टमेटो केचप। तो थोड़ी सी केचप इस तरीके से स्प्रेड कर लेंगे, और अब हमने इसके ऊपर अनियन का एक स्लाइस लगा देंगे, यानी प्याज जिसको हमने गोल काट लिया था, तो यहाँ पर गोल प्याज को लगा देंगे। उसके ऊपर रखेंगे एक पतला टमाटर का स्लाइस, तो टमेटो भी आ गया है यहाँ पर। इसके ऊपर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च स्प्रिंकल कर देंगे, तो बेल पेपर और सॉल्ट इस तरीके से इस पर स्प्रिंकल कर देंगे, ताकि फ्लेवर आ जाए थोड़ा सा। और अब इसके ऊपर हम लगाएंगे लेटस, तो यहाँ पर एक लेटस लीफ लिए हैं हमने, उसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए या फिर कट करते हुए हम यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे लेटस को। अब इसके ऊपर एक और अनियन का स्लाइस रखेंगे डबल रिंग, उसके ऊपर एक और टोमेटो रखेंगे, और इसके ऊपर रखेंगे एक पनीर का पीस जो हमने अभी अभी फ्राई किया था। तो ये इस तरीके से आ गया है अच्छे से। अब हम यहाँ पर जो दूसरा वाला एग का पीस है, उसके ऊपर भी टोमेटो केचप लगाएंगे कुछ इस तरीके से, और उसको रख देंगे इसके ऊपर। अब हम यहाँ पर लगाएंगे टूथपिक, ताकि ये पूरा जो हमने सैंडविच बनाया है वो गिरे ना और टूटे ना। तो इस तरीके से हम इसे बना के देखिए रेडी हो जाएगा सैंडविच। आपको ये रेसिपी कैसी लगी जल्दी बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। पसंद आई हो रेसिपी तो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने सभी फूड लवर्स के साथ, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जस्ट कुक इट को। हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद मोर सच रेसिपीज़। बाय बाय।